हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो सारे? मैं तो काफी ज्यादा अच्छा हूँ, तो अगर तुम आप काफी ज्यादा अच्छे ही होगे। तो फिलहाल यार मैं जा रहा हूँ स्कूल और मम्मी बना रही है नाश्ता वगैरह। है मेरे तो चने बनाए हैं भाई मम्मी ने, और नाश्ता नहीं करना करना थोड़ा सा मैं कर लूंगा। और भाई मेरी चाय मनाली जोतपति करती भगवान जी हमारे ठाकुर से मिलवा दिया, मिलवा देता हूँ अभी। तो भाई ठाकुर जी से मिल लो। खाली है सारी, तो रोज ही नहाते हैं भाई, गर्मी हो सर्दी हो भगवान जी तो रोज ही नहाते हैं गर्म पानी से। तो हाँ आज फिर ऐसे टीवी की ट्रॉली उधर कर दी, प्रेस करी थी ना पापा की जाकेट पे, तेरी जाकेट पे मरती की तो इसे वैसे ही कर दो भाई। पहले मम्मी ने वो ना जो जिस पे कान्हा जी बैठे हैं वो ट्रॉली सामने की साइड कर दी थी, अब मम्मी ने फिर से वैसे कर दी। अच्छा तो भाई चलो यार मैं चलता हूँ स्कूल, स्कूल से आके मिलता हूँ। बाकी जब तक मैं स्कूल में रहता हूँ बाकी मम्मी थोड़ा बहुत व्लॉग कर लेती है, भैया कर लेते हैं। जो मैं तो देखो मम्मी और भैया को इतनी आदत नहीं है, तो मम्मी को तो है भैया को नहीं है, तो वो अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो हाँ पसंद करना यार उनके ब्लॉग को। तो भाइयों फिलहाल अभी मेरा खाना आ गया है, पूरी अचार और चाय दोपहर का। अभी मैं स्कूल से आ गया हूँ, अपना फेस मैं अभी इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि यार मैंने इनर पहन रखा है, टी शर्ट पहन रखी, बाकी पूम पू सोया हुआ है। और मैं एकदम मस्त फैंटास्टिक करके। तो फिलहाल मैं और मम्मी जा रहे हैं मंडी गेहूँ लेने के लिए, खाने के लिए, मतलब हमारे खाने वाले गेहूँ है वो लेने के लिए। तो वहाँ इसके बाद जाएंगे दूध लेने के लिए, क्योंकि फिर दूध का टाइम हो जाता है, फिर जाऊँगा जिम से आके मैं खाना वाना खाऊंगा पीऊंगा फिर पढ़ाई करूंगा। तो देखो भाई धूप में तो क्लियरिटी पता नहीं कैसी हो जाती है फोन की, अजीब सी। तो फिलहाल हम आ गए हैं मंडी और फिलहाल मम्मी ले रही हैं गेहूँ, और यहाँ पे देखो कबूतर कैसे दाना चुग रहे हैं, कितने सारे कबूतर हैं देख रहे हो। तो भाई जल्दी से गेहूँ उड़ गए देखो ये देखो। तो जल्दी से अब गेहूँ कट लेते हैं फिर चलते हैं घर। चलो फिर जिम जाना है, मतलब नहीं घर जाएंगे फिर दूध लेने जाएंगे फिर जिम जाएंगे, सुबह शाम जिम जाता हूँ भाई। मैं दोनों टाइम अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखो कितने सारे कबूतर हैं और तार पे भी बैठे हुए हैं, देख रहे हो कितने बहुत सारे कबूतर हैं, बहुत सारे। ये गेहूँ चुग रहे हैं मतलब दाना खा रहे हैं देख रहे हो, और ये जब उड़े हैं मम्मी कितना अच्छा लगे ना भाई, देखो उड़ गए देख रहे हो भाई कितने सारे कबूतर हैं देखो भाई। भाइयों फिलहाल हम अब जो गेहूँ हम लाए हैं उसे पिसवा रहे हैं क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर दूध का टाइम हो जाएगा। तो हाँ और घर में आटा है नहीं बिल्कुल भी, मतलब थोड़ा बहुत होगा, तो हाँ ज़रूरी है पिसवाना तो पिसवा लेते हैं फिर चलेंगे। अभी मैंने कट्टा उठा के रखा, दो तीन बार उसका एक्सरसाइज करी है, पाँच से चढ़ गया भाई, 30 किलो वजन है इस छोटे से कट्टे में देख रहे हो। साथ मतलब इसी के साथ आज के श्लोक को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। अगर आपके लोग थोड़े से भी अच्छे लगा हो श्लोक को एक लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको इस नेक्स्ट श्लोक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यार अभी थोड़े लोग कम मतलब लेंथ छोटी हो रही है क्योंकि भाई दो टाइम में जिम जाता हूँ, जिम जाके फिर थक जाता हूँ तो इतना हो पाता है नहीं। हाँ धीरे धीरे हो जाएगी लेंथ पूरी भी और हो जाएगा, ठीक है।